हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है एनम यूपी पी ट्रिपल एस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें वन से टन तक दिए हैं जो है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यू पी में आ सकते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं रक्त में ऑक्सीजन आता है उसके बाद ये मिलकर ए है एल्बूमिन बी है डब्ल्यू बी सी सी है हीमोग्लोबिन, डी है प्लेटलेट्स इसका आंसर फ्रेंड्स सी है हीमोग्लोबिन इसका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि डब्लू का कुल कितनी संख्या होती है तो डब्ल्यू की कुल संख्या चार हज़ार से ग्यारह हज़ार होती है इसका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो डब्ल्यू होती है उसका जीवन काल कितना होता है जो डब्ल्यू का जीवन काल होता है वो बारह से तेरह दिन का होता है और उसमें फोर्थ क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्लेटलेट्स है उसकी कुल संख्या कितनी होती है तो जो प्लेटलेट्स होती है, वो डेढ़ हज़ार से साढ़े तीन लाख तक डेढ़ से साढ़े तीन लाख होती है तो एक क्वेश्चन में हमने फोर क्वेश्चन को कवर किया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी इम्यून प्रतिरोधी क्षमता ए है आई जी ए बी है आई जी जी सी है आई जी एम डी है आई जी ई बी है आई जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रक्त कोशिका का निर्माण किस अंग में होता है ए है लीवर यकृत बी है थाइमस सी है लाल अस्थि मज्जा डी है स्लेन इस इसका आंसर सी है लाल अस्थि मज्जा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने जमने के कितने घंटक घटक होते हैं रक्त का थक्का जमने के कितने घटक होते हैं ए है बारह बी है तेरह सी है चौदह डी है पंद्रह इसका आंसर बी है तेरह नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के थक्का जमने में प्लाज्मा प्रोटीन का विशेष महत्वपूर्ण रूप होता है ए है एल्बोमिन बी है फिब्रिनोजन, सी है ग्लोकोप्रोटीन डी है इम्यूनोग्लोबीन इसका आंसर डी है इम्यूनोग्लोबीन नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के थक्का जमने में विटामिन की आवश्यकता होती है विटामिन ए बी है विटामिन डी सी है विटामिन ई e, डी है विटामिन के इसका आंसर डी है विटामिन के नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंदन के लिए कौन सी रक्त कोशिका जिम्मेदार है ये है आर बी सी बी है डब्ल्यू बी सी सी है प्लेटलेट्स डी है न्यूट्रोफिल इसका आंसर सी है प्लेटलेट्स इसमें आर बी सी का जीवन काल होता है एक सौ बीस दिन और डब्लू बी सी इसका होता है बारह से तेरह दिन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ए नोड स्थित होती है ए है दाएँ अलिंद की भित्ति पर बी है बाई अलिंद की भित्ति पर सी है वेंटिकुलर सेप्टम सेप्टन भित्ति पर डी है वेंटिकुलर सेप्टन भित्ति पर इसका आंसर ए है दाएँ अलिंद की भित्ति पर एस ए नोड स्थित होता है अल, दाई अलिंद की भित्ति पर नेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे धीमा संचारण होता है ए है एस ए नोड बी है हृदय अवे को अलिंद और नीलियों में संचालित करना सी है ए वी नोड डी है बंडल और हिंच सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदू नहीं होगा यहाँ पर हिंच होगा इसका आंसर सी है एवी नोड नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय होता है ए है पर जाटियोवेंटिकुलर वंडल सी है एर्टियोवेंटिकुलर नोड डी है सीनोवर्टियल नोड इसका आंसर दी है सीनोवर्टियल नोड अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करें शेयर करिए ओके फ्रेंड्स धन्यवाद